सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट टू क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। तो यहाँ पर एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर और इसकी जो शैडो है वो है 4 मीटर लॉन्ग, और ये पोल की जो शैडो ग्राउंड पे कास्ट हो रही है वो 4 मीटर लॉन्ग है, और सेम टाइम पर एक टावर की भी शैडो ग्राउंड पे कास्ट हो रही है जो 28 मीटर लॉन्ग है। तो हमें इस टावर की लेंथ फाइंड करनी है, मीन्स इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों की भी फिगर्स बना ली है। फर्स्ट ट्रायंगल को हम लिख देंगे ए बी सी और सेकेंड ट्रायंगल को हम लिख देंगे पी क्यू आर। तो हमें यहाँ पर पी क्यू फाइंड करना है जो कि इस टावर की हाइट हो जाएंगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के क्योंकि पोल का एंगल भी 90 डिग्री का होगा और टावर का एंगल भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे ग्राउंड के, और एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है, मीन्स सन की रेज पोल पर और टावर पर दोनों ही सेम डायरेक्शन से ही आ रही है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड सेम रेशियो में होंगी, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर के, और ए सी अपॉन पी आर इक्वल आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर पी क्यू फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर ए सी और पी आर का कुछ भी काम नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे और जो वैल्यूज हमें दी गई है वो हम पुट कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 6 अपॉन एच इज इक्वल टू 4 अपॉन 28, तो यह आ जाएगा 4 वन जा 4 और 4 सेवन जा 28, तो एच इंटू 1 आ जाएगा एच और 6 इंटू 7 आ जाएगा 42, तो यहाँ पर एच आ जाएगा 42 मीटर्स। तो इस टावर की हाइट हो जाएगी 42 मीटर्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है, इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो यहाँ पर ए डी और पी एम दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के मीडियन है, और ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होंगे ए डी अपॉन पी एम के, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन लिख लेंगे, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें गिवन है। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। सिमिलर ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और इनके साइड्स सेम रेशियो में होते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर के। इसे हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 प्रूफ। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होंगे ए डी अपॉन पी एम के, तो अब हम यहाँ पर प्रूफ लिख लेंगे। तो ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए डी और पी एम मीडियंस है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के, और इसीलिए बी सी इक्वल होगा टू बी डी के, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ बी सी इक्वल होगा बी डी के, और सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर इक्वल होगा टू क्यू एम के, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ क्यू आर इक्वल होगा क्यू एम के, क्योंकि ए डी
मीडियन है ट्रायंगल एबीसी का, तो वो लाइन बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और सिमिलरली ट्रायंगल पीक्यूआर में पीएम मीडियन है, तो वो लाइन पीक्यूआर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम, तो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल पीक्यूएम में एबी अपॉन पीक्यू इक्वल है बीसी अपॉन क्यूआर के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम बीसी को लिख सकते हैं 2BD और क्यूआर को लिख सकते हैं 2QM। तो यहाँ पर 2 और 2 कट हो जाएगा और यहाँ पर यह आ जाएगा BD अपॉन QM, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये हमें गिवेन है। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड सेम रेशियो में होंगी। तो ए एम अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएंगी ए डी अपॉन पी एम के, और ए डी अपॉन पी एम इक्वल हो जाएंगी बी डी अपॉन क्यू एम के। तो यहाँ पर हमें बी डी अपॉन क्यू एम का कुछ काम नहीं है, तो हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। तो ये आ जाएगा ए एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो हमें ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.6 और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पीसी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।